बोला काएगी के रहिए जेब में 150 रुपया डरे हुए तो नेगा दे दो काए तुम का करेंगी 150 रुपया दे और ऐसी बंटने के टोपी लगाए के चश्मा लगाए के खा चंदे मैं लली के घरे जा रही हूँ तुम तो जाते ही ना ने मैं ही लली के घरे डोली आती हूँ तुम्हें नेगा शर्म आती है के तुमने सिगा शर्म बेच दई काए ऐसे काएगू कह रहे है नहीं तुम बताओ मोए तुमने शर्म आते है क्या बेच दी तुमने शर्म को बेचेगी सौदा है अति है शर्म हमने तो फिर तुम यो बताओ कि तुम मोड़ी के घर है जाओगी वहाँ सगजने तुमते मौज लेंगे सगन यो कहेंगे समदनिया आ गई समदनिया आ गई कहेंगे तो कह बंदू जामे का वे बुरी कह रहे हैं वो समदनिया लगाते हो इनकी तो कह तो रहेंगे समदनिया आ गई तुम्हें नेको आसु नहीं लगेगो तुम मोड़ी के घरे जा रंजे आसु काय बात को तुम है पुराने जमाने के और हमें नए जमाने के नए जमाने में तो जाते हैं आछो ये नौजवानों चलो आवे जामे रिश्ते की कदर यही ना आतेगी अब तुम ये भाषण देवे बंद करो और 150 रुपया जेब में डरे हुए तो तैसी बताओ नहीं डरे हुए तो ऐसी बताओ तुम हमें देखे भूल गई है 150 डरे हुए तो बताओ नहीं बताओ हम पे ना आता गे क्या बात है तुम सीधे तो कह सकता है कि मुँह पे ना आता गे ताबते तुमने मेरा टाइम बर्बाद कर रहे ऐसा तो दिनों की तरह छोटा पत्तू है लेट करा रहे तुम भी वैसे ही ज्यादा लेट है जाओ तो मैं ही रह जाओ तुम्हें तो बैसा हूँ शर्म ना आतेगी बात तो तुम सही कह रहे हैं मैं ही रह जाऊंगी अगर ज्यादा लेट हो गई तो चलो जा रही हूँ तुम रोटी साग बना के खा लीजो हाओ ये तो मेरी नाक कटाई के मानेगी कैसे जा रही है बंटन के लली ओ लली कहाँ है मम्मी आ गई तुम बड़ा भाई देर लगा ली तुमने आए बे में ओ लली रिक्शा वाले लेट कर लाए बेटी चोद रोक रोक के लाओ तो मम्मी तुम फोन नहीं कर सकती मैं बोना के पापा पटा देती तुम्हें ले बेकू मैंने सोची का दमाद जी ये नहीं परेशान करूं परेशान काहे का भारी वे कमाई करते हैं वे तो ऐसे ही डरे परे घूमत रहते हैं जाने वाने करने का तुम्हें ले आता है का दिक्कत में प्यारी सासू माए आत खेमत तुम तो माई चुगल ही बतरा होती है पौधा के पापा जावे मैंने का चुगल ही बतरा देंगे हकीकत ये बात जे तो मैं कह रजू लली बोंदू का है जिर्रो नानी अम्मा जिर्रो ओ मियो लला बोंदा कंते आवे पढ़ के आओ नानी अम्मा पढ़ के तुम जी चाने पे का धरे फिर रंगे चाने पे तो लला केला है ले केला खाई ले नानी अम्मा तुम यही रुकियो भाला आ रहा हूँ लली त्यो लला बोना खा गा हुए ये केलन ने लेके मम्मी वो अपने दोस्तन ने बांट बेगा हुए सासू अम्मा ने कहता कू करे आज खाटा पे बैठ दो लो तुम आए का है जलेबी समोसा लेके आतू दुकान बैठे जी कू के वे भाई बात है जाऊ लेके आऊ जल्दी जल्दी जाऊ जा रहे बोंदा की मम्मी तुम तो ऐसे ला रही अपनी मम्मी के आगे के हम जा घर के नो करे और सुना लली कैसे दिन चल रहे थे कहा बताऊ मम्मी मेरे दिन तो बेकार चल रहे हैं कहा है लली कहा है गो अरे मम्मी तुमने ऐसे के संग में ब्याह कर दावे ताय बिल्कुल अकल ही ना दिगी ऐसे काय को कह रही है लली कहा है गो जे बोंदू के पापा कह के काम करते हैं वो कह दे जाय कर दो तो जाय करे आगे बाय करे आगे अपने आप ना सोच सकते कि का घर में काम होगा का नहीं होगा सही तो है लली और का चंगे तो है ते आदमी ते जीव के साबत चंतु है तो नहीं बहुत से तो ऐसे आदमी होते हैं अपनी जनी मान सुनने मारते है कूटते दमाद जी इतने बढ़िया है तो उतो हिलो ना पड़े पायरो अब तो बढ़िया है मम्मी बनने का समझदार होता है तो अलग ही बात है सासू अम्मा ये ले तुम्हारे का है गरम गरम जलेबी गरम गरम समोसा मिर्च के संग में हमारे जी भारी खुशबू आ रही है समोसा और जलेबी में और ठंडा में जलेबी और समोसा मिल गए तो राम मिल गए जो समझ लो आओ सासू अम्मा तो अब खाओ खाओ स्टार्ट करो आओ मम्मी खाओ ठंडे है जाएंगे नहीं बहुत जूते ठंडा पड़ रही है आए रजू लली खाए रजू ला खाते हूँ है।
सासू अम्मा तुमने तो सेकंड न लगन दई दोनों जलेबी समोसा खाए ले। तो बात कछु ऐसी गई दवा थी मैं गत्ते कछु खाए के नहीं आई। मम्मी चला तुम्हें ठाड़ी है जाओ लो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। और बंदू के पापा तुम बाजार को चले जाओ सब्जी ले जाओ ब्रेडन की पैकेट ले जाओ। संजय को मम्मी का ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी और चाय बनाऊंगी। आओ भाग्यमान जा रहे हैं बाजार को। चलो मम्मी मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो का पहला पार्ट है। अगर आप वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।